Guys, कैसे हो? This is जीशान and now you're watching agriculture manifestation. Welcome to here. और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए sugarcane top shoot borer. ओके, sugarcane top shoot borer पेस्ट है, मेजर पेस्ट है sugarcane का. ठीक है, वो लेके आया हूँ. तो पहले हम थोड़ा सा sugarcane top shoot borer के बारे में थोड़ा जानते हैं. ठीक है, इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज में कहते हैं सर्पोफेगा एक्सेप्टैलिस. ओके, एंड इसकी फैमिली है पायरेलिडी. और अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है ये. ठीक है, और अगर हम पेस्ट कैरेक्टर्स की बात करें तो एडल्ट्स आर मिल्की वाइट इन कलर एंड लार्वा इज ऑल्सो वाइट इन कलर. और ये पाया जाता है जो फाउंड इन इंडिया और पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. ठीक है, तीनों कंट्रीज में ये पेस्ट पाया जाता है. ठीक है, और अगर हम नेचर ऑफ डैमेज की बात करें तो दोस्तों इट्स एन एक्सट्रीमली सीरियस प्रॉब्लम ऑफ शुगरकेन क्रॉप. और जो एडल्ट्स होती है ना, एडल्ट्स होती हैं जो फीमेल एडल्ट्स होती हैं. ठीक है, जो फीमेल एडल्ट्स होती हैं, तो पहले मैं बताना चाहूंगा आपको ये जो है आप देख रहे हैं. ठीक है, ये है शुगरकेन, टॉप पार्ट है शुगरकेन का. ठीक है, और ये मैं आपको इसमें शुगरकेन टॉप शूट बोरर दिखाऊंगा. और प्लीज वहां दिखाइए, उस जो रिसर्च वर्क वहां रिसर्च फील्ड है ना, वहां से मैं इसको कलेक्ट करके लेके आया हूँ. ओके, बस इधर ले आओ. हाँ, वहां से कलेक्ट करके लेके आया हूँ. और जो है आप इसको मैं दिखाता हूँ. ठीक है, ये जो ये दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है ना, होल दिख रहा है, होल. ठीक है, ये जो है ये होल है. ठीक है, पेस्ट का, और इसको बोर होल्स कहते हैं. और फिर जो इसकी जो फीमेल एडल्ट्स होती है ना, वो अंडे देती हैं. ठीक है, फीमेल एडल्ट्स लेज एग्स ऑन अंडर साइड ऑफ द लीव्स का मतलब होता है इसके, ये जो ये दिख रही है लीफ. ठीक है, इसके अंदर मैं ये हटा के आपको दिखाता हूँ. ओके, क्लियर दिख रहा है ना. ठीक है, मैं ये आपको निकाल के दिखाता हूँ. ठीक है, और ये जो है ये जो यहाँ ये लेग्स अंडे जो फीमेल होती हैं, अंडे यहाँ देती हैं इसके अंदर. ठीक है, और ये आपको दिख रहा है क्लियर, ये है. और फिर उसके बाद जो यंग लार्वा होता है वो फिर अटैक करता है मिड रिब ऑफ लीप्स. ओके, बीच में अटैक करता है. और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मैंने ये हटा दिया आपको, ये आप ये शुगरकेन टॉप शूट बोरर है. और फिर इसके बाद जो होता है दो कैटेगरी सिम्टम्स पाए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन प्लांट एज की. ठीक है, आपकी क्रॉप का टाइमिंग कितनी है और कितनी उसको कितने मंथ्स हो गए. ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है. टू सिम्टम्स इसमें पाए जाते हैं मेन. ठीक है, जो फर्स्ट सिम्टम्स होता है तो वो होता है व्हेन प्लांट्स आर अटैक्ड एट द अर्ली स्टेज बिफोर केन फॉर्मेशन एंड सेंट्रल लीफ इज डाई. ओके, दैट इज कॉल्ड एज डेड हर्ट. ये तो हो गया नंबर वन. एंड सेकेंड इज व्हेन प्लांट्स आर अटैक्ड एट लेटर स्टेज आफ्टर केन फॉर्मेशन. ठीक है, यानी केन फॉर्मेशन के बाद, आफ्टर केन फॉर्मेशन जो उसकी जो टॉप होता है, टॉप इस पर बंच ऑफ लीव्स यानी के गुच्छे होते हैं लीव्स के. ठीक है, वो पाए जाते हैं उसमें. और उसके बाद ये जो सिम्टम्स होता है ये बंची टॉप कहलाया जाता है. अगर आपके फिलहाल यहाँ नहीं है. ठीक है, यहाँ बंची टॉप भी नहीं और डेड हेड भी नहीं है इसमें. ठीक है, इसमें सिर्फ शुगरकेन टॉप शूट बोरर है. ओके, अगर आपके फील्ड में डेड हर्ट या फिर बंची टॉप पाया गया. ठीक है, बंची टॉप पाया गया तो 20% यील्ड लॉस हो सकता है मे बी. बट अगर डेड हर्ट पाया गया, इट्स एंड एक्सट्रीमली सीवियर केस ऑन शुगरकेन क्रॉप. अगर डेड हर्ट पाया गया तो आपका 100% लॉस होता है, 100% हो जाएगा. ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा डेड हर्ट तो नहीं है कहीं. तो ये तो हो गया इसका क्या बोलते हैं शुगरकेन टॉप शूट बोरर की जो इंट्रोडक्शन हो गया. और अगर हम बात करें अब इसकी मैनेजमेंट की या कंट्रोल की. ओके, तो दो तरह से कर सकते हैं. एक तो नॉन केमिकल होता है. ठीक है, नॉन केमिकल होगा. पहले नॉन केमिकल की बात करते हैं. नॉन केमिकल में आपको करना पड़ेगा कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एडल्ट्स एंड एग मैसेस. आपको एडल्ट्स वहां से देखना, फील्ड में जाना पड़ेगा, वहां आपके एडल्ट्स देखना पड़ेंगे. फिर वहां से आपको वो जो प्लांट होगा उसको निकाल के बाहर फेंकना होगा. ठीक है, और हम जो अपना ग्रो करते हैं तो शेड्स होते हैं ना हमारे, वो डिस्ट्रक्टिव शेड्स को आपको अच्छे से देखना होगा. और जो है डिजीज फ्री शेड्स आपको यूज करना होगा. और इसके बाद आप जो यूज कर सकते हैं ट्राइकोग्रामा
इसको यूज कर सकते हैं एज अ सैड ट्रीटमेंट। ओके, आप ट्राइगोग्रामा को यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर केमिकल की बात करें, ठीक है, केमिकल की बात करते हैं हम लोग, तो केमिकल आप न्यूवाक्रॉन इसमें यूज कर सकते हैं 40 WSC @3 ml पर लीटर ऑफ वाटर। और दूसरा है डायाजिनॉन दूसरा है, और उसको हम 60 ml ऑफ 3 लीटर ऑफ वाटर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और तो ये हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन और डिजीज के कैसे हम उसको रोकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही सीवियर केस में है और बहुत ही सीवियर डिजीज है, पूरी की पूरी क्रॉप जो है खत्म कर देती है दोस्तों, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन, और अगर आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं, और चैनल को लाइक कर दीजिए, प्लीज लाइक कर दीजिए चैनल को। और जो है आप क्वेरी एंड कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, और मैं उसका सोल्यूशन दे दूंगा इंशाल्लाह। और ये था आज के लिए, इतना ही काफी था, और आपको वीडियो देखने के लिए थैंक्स, तहे दिल से थैंक्स, और आज के लिए इतना ही काफी था, थैंक यू।